बहुत जल्दी है आपको राबेल को अपनी जिंदगी मिलाने की। जल्दी मुझे या तुम्हारे पेरेंट्स को है? अपने सर का बोझ किसी दूसरे के सर पे थोपने की। मेरे पेरेंट्स की तो मजबूरी है, आपकी क्या मजबूरी है बाय द वे? वाओ, पेरेंट्स की मजबूरी। प्लीज जरा समझाएंगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं समझे तो राबल से पूछ लीजिए, वो आपको आराम से समझा देंगे। एक बात सुनो निशा, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना, अच्छा या बुरा, उस सब की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे सर पर है। इसलिए ये मत समझना कि मैं तुम्हें इतने आराम से माफ कर दूंगा। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। मैं कम हिम्मत, बुज़दिल, पीछे हट जाने वाले लोगों की धमकियों से नहीं डरती। आज भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ जैन, और तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। राबेल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर तुम पूरी उम्र पछताओगे। जानते हो, तुम्हारी अपनी नजरें, तुम्हारे अपने अल्फाज तुम्हारे साथ वफा नहीं कर रहे। जानते हो कब से? जब से तुमने मुझे जलाने के लिए शाबेल से मोहब्बत का झूठा ड्रामा शुरू किया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है निशान, लेकिन ये मंजर देखकर तुम्हारे वजूद में जो शिकस्तगी उभरती है, तुम्हारी आंखों में जो हार नजर आती है, जो मलाल तुम्हारे चेहरे के एक एक नक्श से झलकता है, तो देखकर मुझे जो सुकून मिलता है उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। मैं उन लोगों में से हूं जो अपनी हार को भी जीत में तब्दील कर देते हैं, अपनी शिकस्त पे भी जश्न मनाते हैं, खुद मुस्कुराते रहते हैं और दूसरों को रोने पे मजबूर कर देते हैं। वो दिन दूर नहीं जब तुम रो रो के मुझसे मेरे वजूद की भीख मांगोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देर देर तो ऑलरेडी हो चुकी है विशाल, तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम हार भी गई विशाल। अब तुम अपनी हार का जश्न मनाओ या उसका मातम करो, तुम्हारे ऊपर है। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन राबेल हसन को मेरे साथ रुखसत होते देखो और जी भर कर रो। और मजे की बात तो यह है कि तुम्हारा रोना कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।